Hey everyone, Priya here. Welcome back to our channel. तो गाइस मेरा लास्ट वीडियो था डीप हेयरकट के बारे में और वो वीडियो आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और मुझे ढेरों कमेंट्स मिले हैं. उन सब का मैं जवाब जल्दी दूंगी. और हेयरकट से पहले मैंने किया था हेयर कलरिंग और आप सबके मुझे कमेंट्स आए कि मेरा हेयर कलर कौन सा या फिर हेयर शेड कौन सा है, तो उसके ऊपर आज का वीडियो होगा. फिलहाल ये हेयर के जो क्लिप्स आप देख रहे हो वो बिफोर वाले पिक्स है, बिफोर हेयरकट के पिक्स है. और अभी शुरू करते हैं हेयर कलरिंग का वीडियो. चैनल अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा और फेसबुक पे, उसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो विद दिस बी ब्लेंड सलोन सीक्रेट हेयर कलर. मेरे हेयर का शेड है लाइट ब्राउन और इस बॉक्स के ऊपर जो लेडी है उसके हेयर का शेड या फिर इस कलर का शेड है हनी लाइट गोल्डन ब्राउन. डिटेल में देखा जाए तो ये आप देख सकते हो हनी लाइट गोल्डन ब्राउन शेड है, 5.32 उसका कोड है. और ये हेयर कलर है 100% अमोनिया फ्री और 100% ग्रे कवरेज देता है. सच्ची में देता है क्योंकि मेरे खुद के हेयर जो है कुछ हद तक ग्रे है, तो इस हेयर कलर ने मेरे ग्रे हेयर को कवर कर दिया है अच्छे से. और ये फाउंडर का डिटेल दिया है यहाँ पर. तो बॉक्स के इस साइड में आपको कुछ डिटेल्स मिलेंगे. अगर आपके हेयर ब्लैक है तो आपके हेयर के ऊपर ये वाला कलर चढ़ेगा. ब्लैक हेयर जो होते काफ़ी ज़िद्दी होते, मीन्स यू नो काफ़ी डार्क होते, तो डार्क हेयर के ऊपर बहुत ही जल्दी कलर चढ़ता नहीं है. और अगर आपके हेयर ब्राउन है नेचुरली तो आपके हेयर के ऊपर ये वाला कलर आएगा. और अगर आपके हेयर यू नो ग्रे है तो आपके हेयर का कलर इस बॉक्स के ऊपर जो लेडी का हेयर कलर है उसके हिसाब से यू नो परफेक्ट आने वाला है. तो मेरा हेयर कलर है लाइट ब्राउन, तो इसके हिसाब से मेरे हेयर के ऊपर यू नो थोड़ा सा रंग चढ़ा है. सीरियसली बॉक्स के ऊपर जो उन्होंने इफेक्ट दिया है उतना तो इफेक्ट मेरे बालों में आया नहीं है, बट ठीक है, मैं 75% खुश हूँ इस प्रोडक्ट के साथ. हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम है. उसके बारे में बाद में बात करेंगे. और ये यहाँ पे और कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे. ये सब प्रोडक्ट्स इसके बॉक्स के अंदर होने वाले हैं. और बॉक्स के दूसरे साइड में हम देखेंगे तो कुछ इन्ग्रीडियंट्स वहाँ पर दिए हैं, डिक्लेरेशन या फिर जो क्रीम कलर है या फिर डेवलपर उसके बारे में दिया है. और यहाँ पे कुछ स्किन टेस्ट दी है. हमेशा आपको ये कलर यूज़ करने से पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट लेनी है, कान के थोड़ा सा नीचे आपको रंग लगवा के देखना है सूट होता है या नहीं चेक करना है. बॉक्स का एक्चुअल प्राइस है 225 रुपीज़, बट बी ब्लेंड एक नया लॉन्च है, नया ब्रांड है, इसलिए उन्होंने प्राइस कम किया 199 रुपीज़. और ये प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा है अमेज़ॉन से 160 रुपीज़ को. तो आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है सस्ते में अमेज़ॉन पर. अगर आप ये कलर लेना चाहते हो तो उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इतने सारे प्रोडक्ट्स मैंने खरीद के रखे हैं क्योंकि इन सब के ऊपर मुझे रिक्वेस्ट आई है इसलिए. और सबके ऊपर मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगी ज़रूर. और ये स्टिक्स का जो हाइलाइटर है वो और ये जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है वो दोनों का वीडियो जल्द आएगा. हम देखेंगे बॉक्स के अंदर क्या है. इस बॉक्स में आपको मिलेंगी कुछ ये इतनी सारी चीज़ें और एक एक करके मैं आपको बताऊंगी किसका क्या यूज़ होगा. और ये आप देख सकते हो मैंने कुछ उसे पैक किया है उस ट्यूब को क्योंकि वो डैमेज हुई थी इसलिए. तो सबसे पहले हम देखेंगे ये डेवलपर ट्यूब. तो ये आप देख सकते हो कुछ डैमेज हुई है, ये मेरे से हुई है ओपन करते समय या फिर ये पहले से थी, आई डोंट नो. तो ये आप देख सकते हो ये जो ऊपर का सेक्शन होता है ना वही गायब हो गया. वही गायब मीन्स वो इस ढक्कन के अंदर पैक हो गया, अटक गया उसके अंदर. कैसे हुआ कुछ पता नहीं चला मुझे. तो लेट इट बी, ठीक है, कुछ लीकेज वगैरह नहीं हुआ. और मैंने कुछ इंडियन जुगाड़ किया था, उसे रबर बैंड से पैक कर दिया. फर्स्ट चीज़ आपको इसमें मिलेगा डेवलपर जो कलर डेवलप करता है. उसके बाद में ये निकालूंगी मैं सेकेंड ट्यूब क्योंकि है ये कलर एंड ट्यूब और ये बिल्कुल सही कंडीशन में थी. इसके बाद इस बॉक्स में आपको मिलेगा एक छोटू सा ट्यूब जो कि है हेयर शेड टॉनिक. और ये टॉनिक आपको यूजली किसी अदर ब्रांड में नहीं मिलेगा, स्पेसिफिकली वो बी ब्लेंड में है. सबसे लास्ट में आपको मिलेगी ये दो चीज़ें. ये हैंडग्लोव्स की एक जोड़ी है, बट मेरे पास कुछ पुराने हैंडग्लोव्स पड़े हैं तो आज मैं उसका इस्तेमाल कर दूंगी और ये नए वाले बाद में यूज़ करूंगी, इंडियन माइंड है. एंड में आपको मिलेगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये है मैनुअल. इसे पढ़ने के बाद ही आपको कलर करना है. कलर मिक्स करने से पहले आपको हैंडग्लोव्स पहन लेना है. और ये हैंडग्लोव्स कुछ लूज़ है इसलिए मैं कुछ इंडियन जुगाड़ करने वाली हूँ. ये कुछ रबर बैंड मेरे पास पड़े हुए थे तो उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मेरे हैंडग्लोव्स लेना. उसके बाद मैं डेवलपर मिक्स कर दूंगी और उसके बाद कलर एंड मिक्स करेंगे. ये ट्यूब की कंडीशन आप देख सकते हो, मैंने पूरा निचोड़ के लिया है. एंड में ऐड करेंगी शाइन टॉनिक. सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. और इसका जो स्मेल है वो मुझे कुछ शैम्पू की तरह लग रहा है, बट इट्स ओके, इरिटेटिंग नहीं है. कलर अप्लाई करते समय थोड़ा ना थोड़ा कलर हमेशा स्किन के ऊपर लग जाता है और उसे निकालना दिक्कत वाली बात हो जाती है. तो उसे अवॉइड करने के लिए मैं ये वैसलीन अपने फेस और नेक के ऊपर लगाऊंगी. और उसके बाद आप देख सकते हो मैंने
अपने हेयर दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। उसके बाद जो पीछे का एक सेक्शन मैंने होल्ड किया है उसे कलर अप्लाई कर दूंगी। सबसे पहले मैंने रूट्स की तरफ कलर लगवाया है। उसके बाद मैं तीन छोटे छोटे सेक्शंस लूंगी, जितना छोटा हो सके आप उतना छोटा सेक्शन लीजिएगा, ताकि अगर आपके ग्रे हेयर है तो कवर हो जाए। और ऐसे छोटे सेक्शंस लेके कलर अप्लाई कर रही हूँ। कंटिन्यूसली मैं ऐसे हाथ स्लाइड कर रही हूँ, ताकि कलर जो है वो बालों के अंदर इमल्सीफाई हो जाए, मीन्स एब्सॉर्ब हो जाए, और कलर जो आपका जो कलर है इफेक्ट है वो अच्छे से आ जाए। इसलिए तो ये आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ। पूरे सेक्शंस को कलर लगवाने के बाद आपको ये ऐसे कोम करना है, ताकि जो कलर हमने लगाया है वो इवन आउट हो जाए। इमल्सिफिकेशन का स्टेप आप बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको ऐसे कलर लगवाते समय हाथ स्लाइड करना है, ताकि कलर अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाए हेयर स्टाइल के अंदर। सेम तरीके से मैं ये लेफ्ट सेक्शन भी कर दूंगी। और अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट जब आप खुद को कलर लगाते हो, खुद के हेयर को कलर लगाते हो, तो हाथ ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, एटलीस्ट बैक सेक्शंस के लिए। और उसके बाद और थोड़े हेयर मैंने फ्री किए हैं सेक्शन में से, फिर वो सेक्शंस को हम कलर लगाएंगे। और यहाँ पे मैं छोटे छोटे सेक्शंस लेने वाले नहीं हूँ, एक ही साथ लगाऊंगी। बीच बीच में आपके बाल ग्रे है, वाइट है, तो आपको सेक्शन वाइज कलर लगवाना है। सेक्शन में कलर लगवाने के बाद मैंने वो सेक्शन दो हिस्सों में डिवाइड करके ये ऐसे कोम करके कलर इवन आउट कर रही हूँ। फ्रंट साइड में एक छोटा सा सेक्शन मैंने लिया है और ब्रश की मदद से वहाँ पे कलर लगाऊंगी। ये फ्रंट साइड में ब्रश यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बैक साइड। और सामने की तरफ मेरे कुछ ग्रे हेयर है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे सेक्शंस में ले रही हूँ, और उसके बाद उसे हर एक सेक्शन को कलर लगाऊंगी और फाइनली उसे कोम की मदद से इवन आउट कर लूँगी। कुछ इस तरीके से रूट्स की तरफ मैंने ब्रश से कलर किया है, ताकि ग्रे हेयर अच्छे से कवर हो जाए। उसके बाद में लोअर स्टैंड को मैं हाथ से कलर लगा रही हूँ। सेम तरीके से राइट साइड का सेक्शन में मैं छोटे छोटे सेक्शंस लेके कवर कर रही हूँ। और गाइस ये जो कलर है बी ब्लेंड, ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, और इससे पहले मैंने गोदरेज का रिच क्रीम हेयर कलर यूज़ किया था। उसमें से सिनेमन रेड और हनी ब्राउन, ये दो शेड मिक्स करके मैं यूज़ करती थी, और वो कलर मैंने 3 साल तक यूज़ किया है। और अभी मैंने सोचा कि मैं बी ब्लेंड ट्राई करूँ। फिर ये लास्ट सेक्शन मैंने निकाला है, उसे भी मैं छोटे छोटे सेक्शंस में कलर करूँगी, ताकि मेरे ग्रे हेयर कवर हो जाए। हेयर कलर करने से पहले आपको हमेशा हेयर अच्छे से वॉश कर लेना है शैम्पू से, और जो ऑयलीनेस ग्रीसीनेस होता है वो बालों में बिल्कुल भी प्रेजेंट ना रहे। और हेयर वॉश होने के बाद हेयर आपको अच्छे से ड्राई कर लेना है, उसके बाद में हेयर कलरिंग का प्रोसेस आपको कर लेना है। पूरा हेयर कलर अप्लाई करने के बाद आपको ऐसे कोम कर लेना है। अभी ये मेरे हाथ में है एस्ट्रोजन की बॉटल, ये जो स्टेन्स आप देख रहे हो उसे निकालने का भी टाइम है। वैसे तो मैंने वैसलिन लगा लिया था, बट फिर भी कुछ कुछ जगहों पे ये स्टेन लग गया था, तो उसे हम निकालेंगे इस एस्ट्रोजन की मदद से। ये आप देख सकते हो ये कुछ ब्लू रंग का होता है। लिक्विड को कॉटन बॉल के ऊपर लीजिएगा और ऐसे रब कीजिएगा, और बस ये स्टेन आसानी से रिमूव हो जाएगा। फेस और नेक के ऊपर मैंने वैसलिन लगा लिया था, इसलिए कुछ ज़्यादा स्टेन्स लगे नहीं है। पूरा हेयर कलर अप्लाई करने के बाद इस मैनुअल के अकॉर्डिंग आपको हेयर कलर 30 मिनट्स तक बालों में रखना है, और उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है, शैम्पू से नहीं। 30 मिनट्स नहीं, 40 मिनट्स के बाद मैंने हेयर कलर वॉश किया है, और ये आप देख सकते हो रिजल्ट कुछ इस तरीके से आया है। थोड़े से मेरे बाल स्टिकी लग रहे क्योंकि मैंने शैम्पू नहीं किया। बॉक्स के ऊपर जो लेडी का हेयर कलर दिया है उतना तो लाइट इफेक्ट मेरे बालों में आया नहीं है, बट ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। और ये कलर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम थी, या फिर मेरे बाल कुछ ज़्यादा वॉल्यूमिनस थे, आई डोंट नो। कलर की क्वांटिटी कम होने की वजह से मैंने बीच बीच में कम कलर लगाया है, इसलिए लो इफेक्ट आया है। कलर अप्लाई करने के 2 दिन बाद मैंने शैम्पू किया है, और उस दिन नसीब से लाइट भी अच्छी थी, सनलाइट ब्राइट थी, इसलिए यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो जो रिजल्ट मेरे बालों में आया है कलर का। तो इस ब्राइट सनलाइट में आपको कलर अच्छे से दिखेगा। गाइस ये रहा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो। अगर लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून बाय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। मेरे हेयर कट वीडियोज़ देखने के लिए लिंक्स यू